नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभान सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम इकोलॉजी ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर चर्चा करेंगे। यह भारतीय लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर हम यह अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय प्रशासन किस तरह के पर्यावरण में, किस तरह के परिवेश में काम करता है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय प्रशासन का पर्यावरण किस तरीके का था और स्वतंत्रता के पश्चात किस तरीके के परिवर्तन आए कि भारतीय प्रशासन के पर्यावरण में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पूर्व का जब हम भारतीय प्रशासन का पर्यावरण देखते हैं तो ये स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थापना के साथ अपने हितों का संवर्धन करना था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन ने एक केंद्रीकृत कठोर शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा, नियामकी। नियामकी का तात्पर्य केवल कानून व्यवस्था के साथ अपने हितों की सिद्धि करना और नकारात्मक था। ब्रिटिश शासन काल में प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्यों या जन सशक्तिकरण संबंधी कार्यों का नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में पर्यावरण जनता के पर्यावरण जनमानस के हितों और आकांक्षाओं के दबाव में काम नहीं करता था, बल्कि पर्यावरण का दबाव जन आकांक्षाओं पर था। यानी लोगों की आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए प्रशासन कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रशासन कानून व्यवस्था की स्थापना कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए काम करता था। अब सवाल उठता है कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार के परिवर्तन आए भारतीय प्रशासन के पर्यावरण में। चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया, संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों की चुनने की व्यवस्था प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को नियतकालिक चुनाव और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर यह प्राप्त होता है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक को न केवल अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त है, बल्कि वह स्वयं निर्वाचन की प्रक्रिया में भागीदार होकर के निर्वाचित होने का भी अधिकार रखता है। इसी के साथ साथ संघीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया। चूंकि भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि इसमें बहुत सारी बहुलताएं पाई जाती हैं, अर्थात बहुत सारी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और भौगोलिक विविधता भारतीय समाज में, भारत में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इन सभी विविध आकांक्षाओं की तुष्टि के लिए स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की स्थापना भी हो सके, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के अनुरूप स्वयं उनकी भागीदारी से स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने की। चूंकि अब लोकतांत्रिक सरकार है, संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें लोकतंत्र का तात्पर्य लोक से जनता, तंत्र का तात्पर्य शासन, अर्थात जनता का शासन है। क्योंकि जब जनता का शासन है और जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ऐसी स्थिति में प्रशासन के ऊपर एक सकारात्मक जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों के कल्याण के लिए काम करे, लोगों को सशक्त करने के लिए काम करे। ऐसी स्थिति में पर्यावरण का दबाव प्रशासन पर होता है, अर्थात जनाकांक्षाओं का दबाव प्रशासन पर होता है, न कि प्रशासन का दबाव जनाकांक्षाओं पर होता है। बल्कि अब प्रशासन स्वतंत्रता के पश्चात शासन व्यवस्था में परिवर्तन के साथ प्रशासन पर पर्यावरण का दबाव पड़ता है और उन दबावों के अनुरूप प्रशासन संचालित होता है। इसके लिए एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं बहुत हैं, भौगोलिक संरचना में भी विविधता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में हम उन विविधताओं के दबाव में भी, उन विविधताओं के साथ जनाकांक्षाओं, जनहितों में भी विविधता पाई जाती है। इसलिए उन विविधताओं की तुष्टि करना, ताकि लोग अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर सके, इसके लिए इस विविधता को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में स्थान प्रदान किया गया। इस विविधता
का अगर उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर को ही अगर एक एक प्रांत का उदाहरण लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर को ही देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र तीन भागों में अगर भौगोलिक रूप से विभाजित करते हैं, तो जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है, कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक विशेष व्यवस्था की, ताकि वो उस विशेषाधिकार का लाभ लेते हुए एक साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकें। सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत में जो सोशल इकोलॉजी है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन समाज के लिए काम करता है और समाज में ऐसी विविधता है, इसलिए इस विविधता के दबाव के तहत प्रशासन काम करता है, क्योंकि विविधता के साथ जनाकांक्षाओं में विविधता उत्पन्न होती है, जनता की मांगों में परिवर्तन दिखाई देता है, अलग अलग जाति धर्म भाषा क्षेत्र के स्तर पर चूंकि उनका आर्थिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन में भिन्नता दिखाई देती है, इसलिए उनकी मांग में भी भिन्नता दिखाई देती है, तो प्रशासन को इन दबावों के तहत काम करना होता है। जहां तक इसके साथ साथ यदि हम और थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयत्न करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में जहां पर एक तरफ डोमिनेंट कास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, किसी एक क्षेत्र में यदि क्षत्रिय प्रभावशाली स्थिति में है, दूसरे क्षेत्र में ब्राह्मण, कहीं पे हरिजन, कहीं पे ओबीसी, कहीं पे पुअर, कहीं पे पुअर बैकवर्ड, ऐसी स्थिति में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से इन विविधताओं को, इन सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए इनको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। इस संदर्भ में एमएन श्रीनिवास, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि भारतीय समाज चूंकि वंशानुगत आधार पे भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था में स्थितियां तय होती हैं, उनके कुछ अपने वंशानुगत पेशे होते हैं, उनके वंशानुगत पेशे के साथ साथ उनके सामाजिक सहवास में, सामाजिक अंतःक्रिया में बहुत सारी निर्योग्यताएं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन में निर्योग्यताएं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में इन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक निर्योग्यताओं के साथ भारतीय प्रशासन इन और भारतीय संविधान के द्वारा इन निर्योग्यताओं को शिथिल करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए, और इन निर्योग्यताओं को शिथिल करने के साथ इन जो मुख्य धारा से वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशासन के दायित्व बहुत ही बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन जनता के दबाव में और जनता की इन विभिन्न आकांक्षाओं के दबाव में, अर्थात पर्यावरण के दबाव में काम करता है। सवाल यह उठता है, मुख्य रूप से यदि प्रश्न करें तो सवाल यह उठता है कि मौलिक परिवर्तन ब्रिटिश काल के प्रशासन और स्वतंत्रता के पश्चात के प्रशासन में मौलिक परिवर्तन क्या आया, तो मौलिक परिवर्तन की जहां तक हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश काल में प्रशासन नियामकीय था, अर्थात उसका उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थापना करना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों का संवर्धन करना था, जबकि वर्तमान समय में प्रशासन सकारात्मक है। सकारात्मक प्रशासन का तात्पर्य है कि आज कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संपादन की जिम्मेदारी प्रशासन पर है और जनता का यह अधिकार है कि उन नीतियों कार्यक्रमों का संपादन उनके राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आवश्यक रूप से संचालित किए जाएं। इसके साथ साथ ब्रिटिश काल का प्रशासन पर्यावरण पर दबाव बना करके काम करता था, अर्थात जनता पर दबाव बना करके काम करता था, जनता के केवल कर्तव्य थे, अधिकार नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात के प्रशासन में जनता के अपने अधिकार हैं और जनता के दबाव में, अर्थात पर्यावरण के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। यह मौलिक परिवर्तन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।